लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रैक्टिस करने में शर्म आती है तो जरूरत क्या थी लॉ करने की? मैंने लॉ इसलिए नहीं किया कि मैं प्रैक्टिस करूं, झूठ बोल बोलकर पैसों का ढेर लगा दूं। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस? क्या पहचान है तुम्हारी? हाँ,
फिलहाल तो यही कि मैं आपका बेटा हूं। अगर इतना ही काफी था तो एजुकेशन पर इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? कम ऑन पापा, पैसा पैसा और पैसा। शायद आप यही समझते हैं कि मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा, वही करूंगा जो बरसों से हमारे बुजुर्ग करते आए, रेस के घोड़े पालना और बस पैसे कमाना, भले ही पैसों का रंग काला क्यों ना। ये क्या बदतमीजी है विक्रम, अपने पिताजी से कोई ऐसे बात करता है? तो मैंने क्या गलत कहा? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और तुम जिंदगी भर उसी पैसे पर ऐश करना चाहते हो। तुम्हें काम करना होगा और पैसे कमाने होंगे। मैं और पैसे कमाकर क्या करूंगा? आपने पैसों का ढेर जो लगा कर रखा है। आप भी क्या बेकार में पीछे पड़े रहते हैं, बड़ा हो गया है, जो करना चाहता है करने दीजिए। क्या बेवकूफी है, रोज यहाँ आके पागलों की तरह तमाशा देखती रहती हो। बस थोड़ी देर। Let's go, come on. दो मिनट प्लीज। You can stay here. I'm. Morning. Cool, शाबाश लेक्स, शाबाश। Hello. Hi. You're fantastic. Actually, I love you. Kya? Yeah, I really do. Achha. Thank you. Hey, hi Vikram. Hey, Bachelor Simon. कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप जॉगिंग कभी मिस नहीं करते? अरे भाई, जिंदा रहने के लिए हाथ पांव तो चलाने ही पड़ते हैं। बैंक में तो सिर्फ दिमाग और उंगलियों का एक्सरसाइज होता है, और जब चर्बी चढ़ जाए तो खुद ही को निकालनी पड़ती है, वरना ऊपर वाले अगर उसको निकालने की कोशिश करे तो बहुत भारी पड़ता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। नाइस शूज। थैंक्स। अरे भाई, हमारे जैसे लोग जो जमीन पर चलते हैं उनके लिए ऐसे जूतों की जरूरत पड़ती है, तुम्हारी तो बात ही अलग है। वो कैसे? भाई, तुम तो हमेशा घोड़े पर सवार रहते हो, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे घोड़े जो भी पैसे कमाते हैं वो हमारे हाथों के नीचे से यूं गुजरता है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, तुम्हारे सारे पैसे हमारे बैंक में ही तो जमा है। वो तो है, पापा का अकाउंट आप ही के बैंक में। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं यार, वो मेरी वाली नाराज हो जाएगी। कौन? अरे भाई, मैं आपकी खटारा गाड़ी की बात कर रहा था। बाय द वे, लड़की बहुत खूबसूरत है, लकी गाय। बाय बाय। वो जो पेंटिंग मैं आपसे कह रहा था, वो सामने वाली है, उसमें रेगिस्तान को कितना खूबसूरत बताया हुआ है, और जो दो मनुष्यों की प्रतिमा है वो भी आकर्षित करती है। जब तक आप दूसरी तस्वीरें देखें, मैं भी आता हूं। पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं क्या नाम है तुम्हारा? रितिका। ओह, तो तुम हो रितिका। तुम्हीं ने मेरे घर पे वो पेंटिंग भेजी थी ना? क्या समझती हो अपने आप को? मुझे खरीदना चाहती हो? हाँ या ना? तो तुम्हें रोना भी आता है। वैसे पेंटिंग ही काफी अच्छी चॉइस थी तुम्हारी। विक्रम सैगल। जानती हूँ, तुम्हारे घोड़े का नाम रेक्स और कुत्ते का नाम रियो है ना? Thank you.
ये किताबें देखो तो लगता है किसी वकील का घर है। घर तो मेरा ही है। यानी आप वकील हैं? आपने कभी बताया नहीं? आपने कभी पूछा ही नहीं। शुगर? वन स्पून। मिल्क? या। मैंने सोचा आप रेस कोर्स में काम करते हैं। अच्छा? वो घोड़े वगैरह? वो मेरे नहीं, मेरे फादर के, रेस हाउस ओनर है। काफी इंटरेस्टिंग फैमिली है। आप ऐसे ही आती रही तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। Can I have a biscuit, please? Sure. Thanks. कल ये पेंटिंग देखे आप काफी खोसे गए थे, ऐसी क्या बात है इसमें? जो बात आप में है। Can I have one more biscuit, please? It's very good. It's really tasty. तो वही बात बता दीजिए। कौन सी बात? पेंटिंग की। रितिका, कुछ बातें कह नहीं सकते, उनका एहसास किया जाता है। वो जो तस्वीर आपने ली है वो वापस दे दीजिए। वन मोर बिस्किट। रेक्स, क्या तुम विक्रम से उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करती हूँ? दूर रहना और I'll gouge your eyes out of their sockets. You clear? Mad. क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बहुत अजीब है। क्या?
तुम्हारी सहेली। क्यों? मुझे ऐसे धमकी दे रही थी जैसे कि तुम उसकी बीवी हो और मैं तुम पर टोरे डाल रहा हूं। चलो एक जोक सुनाती हूँ। एक आदमी बाहर में बैठे खूब शराब पी रहा था और रो रहा था। सामने वाला पूछता, यार तुम रो क्यों रहे हो? बोलता, कल रात मेरी बीवी मेरे दोस्त के साथ भाग गई। कहता, अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी बीवी की याद में रो रहे हो? बोलता, नहीं, अपने दोस्त की हालत में रो रहा हूँ। अरे हंसो यार, जोक है। विक्रम, तुम हमेशा टेंस रहते हो, किसी भी बात पर अचानक अपसेट हो जाते हो, क्यों? या मैं इसी लायक नहीं कि तुम अपने मन की बात मुझसे कहो? प्रतिका, मन की बात को सुनना, उसे समझना एक बात है, उसे एहसास करना और बात। तभी तो कह रही हूं शायद मैं ही इसी लायक नहीं बन पाई। विक्रम, तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। प्यार ये एक छोटा सा लफ्ज जुबान पर खेलता रहता है, दिल की गहराइयों को छूकर जुबान पर आए तब मायने बदल जाते हैं। मैं बदले हुए मायने समझना चाहती हूँ विक्रम, तुम्हारी खामोशी मुझे तकलीफ देती है। I'm sorry. लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। कोई नहीं समझता, not even my father. पर मैं तुम्हारा हिस्सा बनना चाहती हूँ विक्रम, प्लीज मेरी मदद करो। Share it with me. रितिका, जो मैं करना चाहता हूँ कर नहीं पा रहा हूं, और जो कर सकता हूं कभी करना नहीं चाहता। मैं समझी नहीं। लॉ करने के बाद काला कोट पहनकर जब मैं पहली बार अदालत के चौखट पर पहुंचा तब कसम खाई थी कि हर निर्दोष को न्याय दिलाऊंगा। मन में आत्मविश्वास था, आंखों में सुनहरे सपने थे, कुछ कर दिखाने का अरमान था। लेकिन करीब जाकर देखा तो पाया कि न्याय तक पहुंचने का रास्ता कानून के बाजार से होके गुजरता है। आपा, ले चाय ले। भैया, वो भूल तो नहीं गए? नहीं, आराम से बैठ। आपा, क्या है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का केस हाथ में लेते नहीं हैं। लेकिन मैंने बात की है ना कुछ जरूर होगा। तो घबरा मत, आराम से चाय पी, बैठ। गले से कुछ उतरता ही नहीं। तो बैठ, मैं आता हूं। साहब जी, वो काले सिगरेट। सिगरेट मैं भूल गया, मैं लेके आ जाता हूँ। ले हूं। अब रहने दे यार, बीड़ी पिला। बीड़ी? हाँ। वो साहब जी, क्या है कि साहब जी, वो आपा बाहर बैठी हैं, सलीम की माँ। सलीम बच तो जाएगा ना साहब जी? तू टेंशन क्यों लेता है, समझो सलीम बच गया। ठीक है साहब जी। उन्हें चाय दी? चाय तो क्या, बेचारी पानी भी नहीं पी पा रही, बहुत परेशान है। सो विल सी हर नाउ, बुला उन्हें। ठीक है, आजा। साहब जी, आप मेरे बच्चे को बचा लो, वो बेगुनाह है। आप क्यों फिक्र करती है, मैं जानता हूं बेगुनाह, मैं गारंटी लेता हूं उसे कुछ नहीं होगा। चलिए बड़े साहब से मिलते हैं। आगे। सर, दूसरा विटनेस भी कमजोर पड़ गया है। मिस्टर कुलकर्णी का बयान है कि उस रात वो खाना खाने के बाद अपने बालकनी में खड़े सिगरेट पी रहे थे, तब उन्होंने सलीम को पाइप से नीचे उतरते हुए देखा। सर, देयर आर 4 पॉइंट्स। अगर उन्होंने सलीम को पाइप से नीचे उतरते हुए देखा तो सलीम की पीठ उनकी तरफ थी, राइट? तो उन्होंने सलीम की शक्ल कैसे देखी? You got a point, Vikram. Sir, point number two, वो नजर के कमजोर हैं, वो चश्मे लगाते हैं सर,
और उनकी बालकनी पाइप से 50 फीट दूर है। ओके, सो मिस्टर कुलकर्णी 5th फ्लोर पर रहते हैं और ये फ्लैट 1st फ्लोर पर है। टॉप एंगल से अगर शक्ल दिख भी जाए तो किसी के लिए भी यह नामुमकिन है कि उसे पहचाना जाए। एंड सो फाइनली उस रात ठंड ज्यादा थी, उस इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था और इसकी वेदर रिपोर्ट 18 जनवरी के न्यूज़पेपर में शामिल है। Hey, that's brilliant. You're talking like a veteran, Vikram. जानते हो ये बात किस तरफ इशारा करती है? यस सर, कि हमारा क्लाइंट बेगुनाह है। नहीं, ये एक दिन तुम बहुत बड़े वकील बनोगे। थैंक यू सर। आपा, सोचो आपका सलीम घर आ गया। खुदा तुम्हें सलामत रखे, जिंदगी भर दुआएं दूंगी, तुम्हारे पांव धोकर पीऊंगी बेटे। विक्रम, बाकी की बातें इनसे कर ली है ना? आपा, हाँ हाँ, सब कुछ बेच बाज कर 20,000 का इंतजाम मैंने कर लिया है। What? जी। 20,000? जी। देखिए, 20,000 में मैं किसी से बात भी नहीं करता हूं। माफ कीजिएगा, आप कोई और वकील कर लीजिए, मैं आपका केस नहीं ले सकता। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए साहब, मुझ बेवा का वो एक ही सहारा है, वो भी छिन गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। सर, केस तो बिल्कुल साफ है, ले लीजिए, बेचारी गरीब है, विधवा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज कंप्लीटली इनोसेंट। देखो विक्रम, हमने कोई समाज सेवा केंद्र नहीं खोल रखा, दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेस रन बाय प्रोफेशनल पीपल, डू यू अंडरस्टैंड दैट? वैसे पैसों की बात तुम्हें मुझसे कर लेनी चाहिए थी। एनीवे, फॉरगेट इट, स्टडी दिस फाइल, ये केस लेना है, कम ऑन। साहब, 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 मैं प्लीज देखिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है, बहुत कीमती है मेरा वक्त। All right, please. सर, लेकिन ये बिचारी करेगी। Don't be emotional. I know my job. All right? God damn it. बेटा, तुम तो अच्छे आदमी हो, तुम ही कुछ करो, मुझ पर रहम खाओ। तुमने सलीम की बेगुनाही यहां तो साबित कर दी, अदालत में भी कर दो, मैं भीख मांग मांग कर तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। पापा, मैं भी मजबूर हूं, मैं तो यहां सिर्फ एक नौकरी करता हूं। लेकिन बेटे, तुम भी तो वकील हो ना? अच्छा, आप बाहर बैठिए, मैं देखता हूं। सर, नाउ व्हाट? सर, अगर ये केस मैं ले लूं तो? बचकानी बातें मत करो विक्रम, तुम कोर्ट में अपियर नहीं हो सकते, यू विल नॉट बी परमिटेड। और वैसे भी हमारे प्रोफेशन में दिल से नहीं दिमाग से काम चलाया जाता है, यू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज नो वैल्यू। ये जो फाइल तुम्हें दी है ना, उसे स्टडी करो, वी हैव टू टेक इट ऑन, कम ऑन।